नालागढ़ के सैनिक राजेश कुमार का राजकीय सम्मान के साथ सैनिक के पैतृक गांव जोगो में किया गया अंतिम संस्कार। सुबह से ही क्षेत्र में शोक की लहर थी। सैनिक राजकुमार के घर के आगे लोगों की भारी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। जैसे ही किन्नौर के नामग्या डोगरी में हिमस्खलन में दबे 5 जवानों में से राजेश ऋषि का तिरंगे में लिपटा पूरे राजकीय सम्मान के साथ सैनिक का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा, तो वहां पर जमा लोगों व रिश्तेदारों ने भारत माता की जय के साथ नम आंखों से सैनिक राजेश कुमार ऋषि के अंतिम दर्शन किए। इस दौरान सैनिक राजेश कुमार माता पिता व रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल था। शहीद का शव शुक्रवार को 11 दिन बाद बरामद किया गया। उनके शव को हवाई मार्ग से नालागढ़ पहुंचाया जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण शव सड़क मार्ग से जोगो जगतपुर पहुंचाया गया। बता दें कि शिपकला बॉर्डर से लगते नामग्या डोगरी के पास 20 फरवरी को ग्लेशियर खिसकने से नियमित गश्त पर निकले जम्मू कश्मीर राइफल के 16 सैनिकों में से 6 बर्फ में दब गए। हादसे में दबे नालागढ़ के सैनिक राजेश कुमार ऋषि को बाहर निकाला गया और वह शहीद हो गए। अंतिम संस्कार के समय नालागढ़ के विधायक राणा लखविंदर सिंह, पूर्व विधायक KL ठाकुर, नालागढ़ प्रशासन की तरफ से SDM प्रशांत देष्टा व नायब तहसीलदार DR कश्यप, पुलिस जिला प्रमुख SP रोहित मालपानी, पुलिस DSP चमन सहित नालागढ़ के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस व सेना के जवानों ने शहीद राजेश कुमार को सलामी दी। नालागढ़ के विधायक राणा लखविंदर ने कहा कि सैनिक के शहीद होने पर गहरा दुख जताया और सरकार से उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। आज अत्यंत हमारे नालागढ़ उपमंडल में हल्का नालागढ़ में जो घटना घटी गई, किन्नौर के जिला में जो हमारा ये लड़का राजेश श्री जो पूर्व में जो है अपना मिट्टी में जो है तैनात था, अचानक बहुत भारी स्लाइड आने से काफ़ी दिनों तक जो है 10-11 दिनों तक उसमें पड़ा रहा और कल ही जो है परिवार को ये सूचना मिली कि राजेश श्री जो है उसका जो है शव बरामद हुआ है। और हमारे नालागढ़ के जो गांव जोगो जगत पर पड़ता है पंचायत, हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि नौजवान लड़का था, 6 साल की सर्विस हुई थी और अभी 2 महीने पहले इसकी जो शादी हमारे दूर निर्वाचन क्षेत्र गांव थाना में हुई थी। और अत्यंत जो हमारा यहाँ का काम है दुख में है और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा ये जो नौजवान लड़का, अभी आयु भी जो इसकी थी 26-27 वर्ष की थी, इतनी कम आयु में जो है शहीद हुआ है, इसके जो इसका जो भाई है उसको जो है नौकरी मिलनी चाहिए और जो परिवार के सदस्य हैं, इसकी माता है, उसको भी जो आर्थिक रूप से जो है मदद जो है मिलनी चाहिए। और जो परिवार के परिवार में अभी जो इसकी शादी हुई है, जो इनकी जो बहू है और जो इनकी वाइफ है, उसको भी सरकार की तरफ से जो है कुछ ना कुछ जो है अधिक से अधिक सहायता मिलनी चाहिए। अंतिम संस्कार में शामिल होने आए सैनिक कल्याण बोर्ड के डायरेक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से उनके परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी। ये बहुत एक दुखद विषय है कि हमारा जो जवान है भारत माता की रक्षा करते हुए वो शहीद हुआ है एवलॉन्च में आने से, और आज उनके पार्थिव शरीर का क्रीमेशन यहाँ हुआ है। मैं डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर इनके परिवार की और इनसे जुड़ी किसी भी समस्या की का निवारण करने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त किया गया हूँ और अभी शीघ्र ही इनके परिवार से कांटेक्ट किया जाएगा। इनकी जो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो जल्दी से जल्दी मेरी कोशिश रहेगी कि वो रिकॉर्ड तक भेजे जाएं और इनके जो भी नेक्स्ट ऑफ किन जो इनके डॉक्यूमेंट्स में लिखवाया गया है उसको जल्द से जल्द पेंशन मुहैया कराया जाए। इसके अलावा जो हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो मिलता है शहीद को, जो कि राशि दी जाती है, वह राशि इसके अलावा डिमाइस ग्रांट वगैरह, मैं शीघ्र ही शीघ्र इनके जो है
परिवार वालों तक पहुंचाने की कोशिश कर। देखिए ग्लेशियर, जैसे कि नाम से ही इसको बोला जाता है कि ग्लेशियर है, तो वहाँ पे जो मौसम की इतनी कंडीशंस होती हैं, कभी हवाएं तेज चलती हैं तो कभी एवलांच आ सकता है, तो ये डिले इसलिए हो सकता है क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकती है। तो इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हमें एक सही समय चुनना होता है, मौसम का मिजाज देखना पड़ता है, और इसमें वो ऐसा टेरेन होता है जहाँ पर कि हम यहाँ पे जेसीबी वगैरह को नहीं वहाँ पे ले जा सकते, तो इन्हीं के साथियों के द्वारा इनको ढूंढा जाएगा। तो जैसा कि मेरे को सुनने में आया है तो अभी बेलचों की ही मदद से जो है बर्फ़ को हटाया जा रहा है, तो इसी के कारण जो है इनका शव बरामद होने में जो है शहीद का वो थोड़ा समय लगा। इंडियन आर्मी की तरफ से किसके परिवार को कुछ नौकरी वगैरह कुछ ऐसा प्रावधान है? देखिए इंडियन आर्मी के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रदेश सरकार को लिखा जाता है कि इनके जो परिवार में जो भी उस नौकरी के लिए आवेदक है, जैसे नेक्स्ट ऑफ किन है, उनकी पत्नी है, तो उनको नौकरी का हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान है, और इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन जो है शीघ्र से शीघ्र करवाने की कोशिश की। जो इनके परिवार की मालियत बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो राजेश ऋषि था सिर्फ वही एक वो राजेश ऋषि है वही एक इनमें कमाने वाला था, और इनकी माली हाथ आप कहीं जाके पता कर सकते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और सरकार से यही बेनती है कि आप इनको एक तो सरकारी नौकरी दी जाए, और इनकी माली हाथ में जो भी सरकार से बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। थैंक यू। तो हमारा प्यारा सा बच्चा राजेश कुमार ऋषि शहीद हुआ है, इसके उपलक्ष में हम नालागढ़ एक्सर्समैन लीग के लगभग 300 आदमी इकट्ठा होकर के इस बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। धन्यवाद। सर प्रशासन द्वारा सर इनको खोजने के लिए जो इतनी देरी हुई है सर, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए जो प्रशासन ने जब से गुम हुआ तब से लगातार कार्रवाई की जा रही थी, वेदर की प्रॉब्लम थी, और आर्मी के अंदर तो अगर एक सुई भी गुम हो जाती है, अगर रिपोर्ट लग जाए तो उसकी भी जब तक वो मिलती नहीं है उसको खोजा जाता है। तो ये तो हमारे आर्मी के जवान थे जो कि पेट्रोलिंग करने के लिए गए थे, और अचानक की स्लाइड आई और जिसके कारण ये जवान शहीद हो गए, और लगातार इनकी कंटिन्यू कार्रवाई चलती रही और अभी भी चल रही है। ऐसा है, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि जो स्लाइडिंग होता है, जैसे ये आम दरख्त होते हैं वैसे बर्फीले छोटे 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 दरख्त होते हैं जिनके ऊपर बर्फ़ जमी होती है, और उस ट्रैक का हमें पता नहीं चलता है कि जब बर्फ़ पड़ती है तो एक जैसा ही सारा नज़र आता है प्लाटो, लेकिन जब हम उसके ऊपर पैर रखते हैं तो धास करके नीचे चले जाते हैं, और कुछ स्लाइड जो बर्फ जो है वो ऊपर से हमें ढक देती है। ऐसे हमारे साथ बहुत केस हुए हैं। ये तो गवर्नमेंट की बड़ी हनस्ती है, यानी जिसने के ये खोज निकाले हैं, नहीं तो मैं आपको बात बताऊं 62 के हमारे जो चाइना ऑपरेशन के वहीं राफलों के साथ वर्दियों के साथ मैं 1967 में वहाँ देखे, वहाँ खड़े थे। और ये तो अभी अटल बिहारी वाजपेयी की हुई जब वो आना शुरू हुए, नहीं तो कोई भी सैनिक हमारा यहाँ आता नहीं था, वहीं रहते थे बर्फ में। अभी भी आपको जब जून जुलाई में बर्फ ख़त्म होती है तो मैं आपको ले चलता हूँ चशूल हवाई अड्डे से राइट साइड में अल्फा टॉप और मराठा टॉप है, वहाँ पे बैक साइड में जब हम पेट्रोलिंग जाते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो गवर्नमेंट ने कोशिश की है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी कोशिश की है, जो कि हमारे बहादुर सैनिक जो है वहाँ से इन्होंने निकाल लिए हैं, अदरवाइज मिलते नहीं हैं। नालागढ़ से मोहम्मद रफी के साथ सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट।